हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सोभित सर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में भी हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तत्सम तद्भव, जिसके हम लोगों ने आई थिंक 3 और 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ये हम लोगों का लास्ट पार्ट होने वाला है तत्सम तद्भव का। तत्सम तद्भव का लास्ट पार्ट नहीं है इसमें, जो आपके छोटा बड़ा छोटी बड़ी इन सबसे जो होने वाले तत्सम तद्भव शब्द हैं उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग अपना का वर्ग देखेंगे, फिर चा वर्ग देखेंगे, फिर टा वर्ग देखेंगे, फिर ता वर्ग देखेंगे, फिर पा वर्ग देखेंगे। ये हम लोगों ने 3 से 4 वीडियो जो बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कम कम देखे तत्सम तद्भव शब्द, ज़्यादा नहीं देख पाए हम लोग। हर एक वीडियो में कम से कम किसी में 15 तो किसी में 20, बस 20 एक वीडियो में आई थिंक 20 या 25 देख लिए होंगे एक वीडियो में 25, तो इसमें हम लोगों ने कम देखे और इसीलिए हम लोग के वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हुए। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही रहे हम लोगों के हर वीडियो, ठीक। लेकिन अब जो हम लोग बनाएंगे वो वीडियो थोड़े से लॉन्ग होंगे, ठीक। लॉन्ग क्यों होंगे उसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ छोटा बड़ा इन सबसे रिलेटेड देख रहे थे, उसके भी 3 4 वीडियो बन गए। परंतु आप सभी को पता है का वर्ग, जैसे अगर हम लोगों ने लिया, अगर हम लोगों ने का वर्ग लिया, ठीक, का वर्ग 2 मिनट समझ लेते फिर स्टार्ट करते, क्योंकि आगे के वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाले। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इससे आगे जो आएंगे ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पहले से ही बताया जा रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग सारे वीडियो देखें। अब आप लोगों को ये पता है का वर्ग के अंतर्गत हम लोगों के कितने अक्षर आते हैं, ये तो पता ही होगा आप सभी को, उसमें कोई बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, का खा गा घा, 4 आएंगे आपके अक्षर। का खा गा घा, जब 4 अक्षर हैं, अगर अगर हम लोग एक अक्षर के ज़्यादा नहीं, अगर 10 10 भी देखेंगे, 10 20 30 40, तो एक वीडियो में हम लोगों को बताने होंगे 40 टोटल, ठीक। और अगर 40 बताएंगे तो लगभग वीडियो हम लोगों का हो जाएगा 50 मिनट लॉन्ग, या 4 एक में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 35 40 मिनट लॉन्ग तो हो ही जाएगा अगर इतने ज़्यादा लेंगे। इसीलिए ज़्यादा नहीं, हम लोग एक के अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 देखेंगे हर के, का वर्ग के, खा के, गा के, घा के, जिससे हम लोगों का वीडियो, हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा लॉन्ग ना हो करके 30 मिनट तक हो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। छोटा वीडियो होता है तो आप लोग आराम से भी देख सकते हैं और आपका एक बार में एक टॉपिक समाप्त हो जाता है। फिर का वर्ग के बाद हम लोगों का है चा वर्ग, जिसमें हम लोगों का चा छा जा झा, 4 शब्द आपके आ जाते हैं उसमें भी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों का टा वर्ग है, ता वर्ग है। अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली अभी इसके ज़्यादा नहीं तो 7 पार्ट और बनेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया गया था हम लोग इसमें किस हिसाब से लेके चल रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अक्षर वाइज। ये नहीं कि कोई भी इम्पोर्टेंट है, PYQ है या कुछ भी है, हम लोगों ने उठा लिया सीधे। इसको हम लोग एक एक अक्षर के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं पहले दिन ही बताया गया था, पहले दिन तो पूरा इंट्रोडक्शन बताया गया था, तत्सम तद्भव शब्द होते क्या है, कहाँ से क्या बने, कैसे संस्कृत से इनका प्राकृत रूप में परिवर्तन हुआ, प्राकृत से हिंदी रूप में आए, कैसे अपभ्रंश हुए, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, एक एक चीज़ आपको बताई गई थी। तत्सम का मैंने संधि विच्छेद भी किया था, जिसने देखा होगा उसे याद होगा, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, आप लोगों को याद भी होगा आई होप। फिर था हम लोगों का तत्भव, जिसका शब्द का अर्थ था उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परावर्तित होकर बने शब्द। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप ध्यान होंगी अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर से आप लोग देख सकते हैं। तो उसी दिन बताया था प्लेलिस्ट इस अकॉर्डिंग बनेगी कि हर वीडियो, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में समस्या है एक वर्ड में, जैसे आपको का से रिलेटेड देखना है तो आप पर्टिकुलर वही वीडियो देखें, आपको ज़्यादा ना देखना पड़े, तो इस अकॉर्डिंग। और ऐसा किया जाए कि आपका एक तत्सम तत्व शब्द ना छूटे, आपको एक एक PYQ एक एक इंपॉर्टेंट बता दिया, जिससे रिविजन वाला एक बनाने की वीडियो जरूरत ही ना पड़े। तो ये चीज़ आप लोग भी समझ रहे होंगे कि क्यों एक एक वर्ड को लेकर चला जा रहा है, क्यों इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, ठीक। तो आप लोगों को इसीलिए बता दिया, क्योंकि
नेक्स्ट वीडियो अब जो आएंगे हम लोग के थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, जैसे अभी 15 मिनट का है तो 20 से 25 या 30, क्योंकि मैं सोचता हूँ वीडियो जितना कम लॉन्ग होगा उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। ऐसा है कि नहीं है? आई थिंक ऐसा है कि जैसे जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, शॉर्ट तो नहीं कह सकते पर जो कम समय के हैं, जिसमें कम समय लिया गया है, वो ज़्यादा लोग देखना प्रीफर करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो आप लोग देखते हैं पर टेलीग्राम ग्रुप कोई नहीं ज्वाइन करता है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, उस पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, इसका पीडीएफ उठा के वहीं पे मिल जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है पूरी डिटेल, आप सभी को पता है टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ठीक, तो इतनी तो हम लोग की इन्फॉर्मेशन हो गई आगे वीडियोज़ के लिए। ठीक, तो चलिए अब आज का मेन अपना टॉपिक तत्सम तत्वों का ये लास्ट पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम लोग पूरे ये आपके समाप्त कर देंगे, छोटा बड़ा जितने भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट PYQ, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 3 से 4 वीडियो बनाए, अगर चाहते तो एक वीडियो में भी कवर कर सकते थे। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट दो चार उठा लेते, एक अच्छे से कवर कर दिया जाता, पर नहीं, आप लोगों को एक एक चीज़ बताई गई है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया कि कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर आप सारे वीडियो देख रहे तो आई थिंक आप लोगों को 1% का भी डाउट नहीं होगा, अगर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग इतने अच्छे कमेंट तो करते नहीं है बिल्कुल भी, वीडियोस देख लेंगे कमेंट तो नहीं करते हैं, तो इसकी कोई बात ही नहीं। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने इतने देख लिया तो आपका इतना पोर्सन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोगों का इष्ट क्या है? इष्ट तत्सम रूप में, तद्भव रूप में इसको कहा जाता है ईंट। एक होता है इष्ट देवता, क्या होता है इष्ट देवता, पर वो अलग चीज़ है, उसका और इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस वाले इष्ट का मतलब ईंट ही है, नहीं क्योंकि कई लोग आप लोगों ने सुना होगा हमारे इष्ट देवता है ये, हमारे इष्ट मित्र हैं, इष्ट मतलब प्रिय या घनिष्ठ या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे उस वाले इष्ट का इष्ट से कोई भी तात्पर्य नहीं है, पहले ही बता दिया गया जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इष्ट का क्या होता है तद्भव? ईंट। इष्ट का तद्भव क्या है? ईंट। फिर नेक्स्ट है ईंधन, तो उसका क्या तद्भव बन गया है? ईंधन। इसका क्या है? ईंधन। इसका है ईंधन, उच्चारण ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग, आप लोग खुद समझ जाएंगे। इसका है ईंधन, इसका है ईंधन, यह है ईन धन, ठीक, यह है ईंधन, ईंधन, ठीक, उच्चारण करके आप लोगों को बताया जाए जिससे आपको समझ आए। कई कई जगहों पर ये जो चंद्र वृद्धि होती है इसको गलत माना गया है, पूछे क्यों? क्यों कहीं कहीं इसे इसलिए गलत माना गया है, कुछ हिंदी के कवियों लेखकों ने इसको गलत बताया है इस कारण से। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने घंटा मंदिर, ठीक, दो मैंने लिखे हैं, ठीक, दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक लिखा है घंटा, एक लिखा है मंदिर, और एक और लिख देते हैं संता, ठीक, ये 3 वर्ड लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, कई लेखकों कई कवियों ने इनको गलत कहा है, हिंदी में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये पूरी तरीके से गलत हैं। आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ बता देता हूँ, आपके यहाँ पे इसका कोई वैसे यूज नहीं है, पर आप लोगों को ये समझ आएगा यहाँ पे भी वही उच्चारण है लगभग, वहाँ पे भी वही ईंधन, ये भी है ईंधन, ये भी, इन दोनों में गलत क्या है? यही तो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, डाउट तो यही होगा, कई लोगों का डाउट होगा, तो डाउट क्यों रहे? डाउट होने से पहले ही क्लियर कर दिया जाना है उसको, क्योंकि कहेंगे यहाँ पे भी ना है, ये ऊपर भी ना लगा है, तो कैसे ये तत्सम तद्भव का क्या है, उच्चारण भी लगभग सेम है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, अभी आप लोगों का डाउट क्लियर होता है, बस जस्ट 2 मिनट वेट करिए। देखिए ये हम लोगों ने 3 वर्ड लिखे हैं, फर्स्ट है घंटा, सेकंड है मंदिर, तीसरा है संता। अब अगर हम लोग इसको दूसरे रूप में लिखे हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, घंटा मंदिर संता, ये 3 हम लोगों ने चीजें लिखी, आई होप आप लोगों को दिख रही होंगी वीडियो में क्लियर, ठीक, तो 3 चीजें हम लोगों ने आपके सामने लिख दी हैं। अब रही बात सबसे ऊपर वाले घंटा में आया हम लोगों का ये वाला ना, ठीक,
सेकंड में आया है हम लोगों का ये वाला ना, थर्ड वाले में भी ये वाला ना आया है। ये ना है मैथ के स्टूडेंट, इसको आई थिंक सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा नहीं है ये ना है। ना लिखे दे रहे हैं, नीचे लगाए दे रहे हैं हलंत, क्योंकि आधा है। अब बताइए, अब ये देखिए, यहाँ पे ये ना है, यहाँ पे ये ना है, ठीक। तो एक तरह की विकृति मानी जाती है कि कहीं पे इसका उच्चारण इस वाले ना से आता, कहीं ये आता, कहीं कहीं आपका क्या होता है माँ का उच्चारण भी ये दे देती है बिंदी। कहीं है वर्ड इसमें ध्यान नहीं है, वो बात अलग है, पर कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ना का भी उच्चारण देती है, माँ का भी उच्चारण देती है, और ये आपका जो आधा ना सबसे ऊपर लिखा है इसका भी उच्चारण दे देती है। तो इस वजह से थोड़ा इसको गलत माना जाता है। ये चीज़ अब आप लोग समझ रहे होंगे। तत्भव रूप हमने क्या बताया था, हिंदी से हम लोगों के अपभ्रंश होके बने हैं, मतलब ये थोड़ा सा परिवर्तित है और ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक। ये थोड़ा अपभ्रंश है, क्यों अपभ्रंश है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का यहाँ पे रोल है, ठीक। अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक। यहाँ पे ईंधन ना लिखा है, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे ये ना ही होगा। अब यहाँ पे कौन सा उच्चारण है पता आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। अब जैसे जिसने नहीं पढ़ा तो वो तो कहेगा ही, जैसे इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया वो है, सी यू टी कट होता है तो पी यू टी पट क्यों नहीं होता, ठीक। बी यू टी बट होता तो क्या बोलते हैं, पी यू टी पट क्यों नहीं होता, ये कट बट पट ये सब चीज़ें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी बार। तो वो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। पता होती है चीज़ लेकिन फिर भी उसको इश्यू बनाया जाता है, यही यहाँ पे भी खेल है। आप लोग अब समझ गए होंगे आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप अब इस चीज़ में तो गलती कभी होगी ही नहीं आई थिंक, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का उत्साह, ठीक। क्या है नेक्स्ट हम लोगों का उत्साह, जिसका तद्भव है उछाह। क्या है उछाह है जिसका तद्भव, इसका एक हम लोगों का हास्य रस में एक एग्जाम्पल है। हसियाँ देखी भजय देखी दूल्हो दिगंबर को, पार्वती मैया जैसे कहती हैं हास्य रस का, कि जो आवे हिमालय की उछाह में, मतलब उत्साह में आ रहे हैं शिव शंभु अपनी बारात लेके। तो उसी से रिलेटेड है कि जहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं याद है, आप लोगों ने हास्य रस में पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो उत्साह को उछाह भी कहते हैं, गाँवों में भी यूज होता है बड़े उछाह में हो। क्या है मतलब बड़े उछाह, मतलब उत्साह में क्यों हो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का उलूक, क्या है उलूक, जिसको हम लोग उल्लू भी कहते हैं। तो उलूक का क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा तद्भव शब्द। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, और उलूक ये हम लोग का संस्कृत का भी है, जैसे कई चीज़ें मैंने बताई थी कि संस्कृत की भी होती हैं, ठीक। और उसमें भी वैसे यूज होती हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट वीडियो में कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी, ठीक। तो वैसे ही है, इसको संस्कृत में भी उलूक ही कहा जाता है और तद्भव रूप में उल्लू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है तत्सम है तो संस्कृत से ही आए हुए। कुछ शब्द संस्कृत से सीधे यूज किए जाते हैं, कुछ थोड़े चेंज करके यूज किए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। तो उलूक का क्या तद्भव हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा उलूक का, ठीक। नेक्स्ट है उलूखन, क्या है उलूखन, जिसको हम लोग तद्भव रूप में कहते हैं ओखली, ठीक। क्या कहते हैं तद्भव रूप में ओखली, इसीलिए इन दोनों को पास पास रखा गया कि नहीं उलूखन लिखा हो तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए कि उलूखन का मतलब उल्लू होता है, ठीक। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए दोनों चीज़ें साथ ही लिखी गई हैं। कई कई बार उलूक जैसे ध्यान रहा पेपर में आ गया, उलूखन आपने पढ़ा ना हो, उलूखन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल में उल्लू लिखा हो तो आप लोग लगा सकते कि हम लोगों ने उलूक तो पढ़ा था, क्या पता उलूखन भी कहा जाता हो। इसीलिए दोनों रख दिए गए कि जिससे आप लोगों का जरा सा भी गलत ना होने पाए। उलूक का होता है उल्लू, उलूखन का होता है ओखली। ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए सब चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का उपवास, क्या है उपवास, जिसको हम लोग इंग्लिश में फास्ट भी कहते हैं, फास्ट या व्रत कहा जाता है, ठीक। हिंदी में हम लोग व्रत कहते हैं, तो उपवास को तद्भव रूप में हम लोग कह देते हैं उपास। आप लोगों ने कई लोगों को कहते सुना होगा आज हमारा उपास है, क्या है आज हमारा उपास है, मतलब आज क्या है उपवास है। तो उपवास का तद्भव है उपास, ठीक। उपवास है तत्सम शब्द, उपास है तद्भव शब्द। तो उपवास संस्कृत से उद्धृत है, उपास ऐसे नॉर्मली विकृत होकर कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है उद्रतन, क्या है उद्रतन, उद्रतन, ठीक। उच्चारण समझने की कोशिश कीजिएगा, उद्रतन। देखिए ये इतना पढ़िए, उद्रतन, ठीक, मतलब इसका उबटन। उबटन में क्या बोला जाता है,
उबटन आई थिंक वही जो हाथों वाथों में लगाई जाती है, चेहरे में लोग लगाते हैं, वही आई थिंक उबटन होती है। तो मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मेरे लिए कठिन है। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उद्धृतन का आप लोग याद कर लीजिएगा। उद्धृतन का क्या होता है? उबटन। ठीक, इतना आप लोग ध्यान कर लीजिए। चेहरे में लोग लगाते हैं गोरे होने के लिए, परंतु यह एक पूरी तरीके से मिथ्या है, झूठ है। कोई भी व्यक्ति गोरा हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति गोरा हो ही नहीं सकता जेनेटिकली, क्योंकि तो जैसे जीन्स आपके अंदर है वही तो आप लोगों का रहेगा, चेहरा हो चाहे जो चीज़ हो, कभी भी नहीं। और हम लोग गोरे या काले किस लिए होते हैं? जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे शरीर में मिलेनिन पाया जाता है, ठीक, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके शरीर में ये मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक, वो लोग हो जाते हैं आपके ब्लैक, ठीक, जिसके शरीर में लो होती है वो लोग हो जाते हैं वाइट। पर इसका अब फायदा भी आप लोग देखिए, फायदा क्या है इसका? जो लोग काले होते हैं उन लोगों को कैंसर की मात्र कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, ये चीज़ है साइंटिफिक। इसीलिए आप लोग जैसे पहाड़ों पर चले जाइए जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग आपको गोरे ही मिलेंगे, और आप जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे भारत के जाएंगे, जैसे ये भारत का इसे नक्शा बना है, ठीक, मुझे बनाना नहीं आता लेकिन एक तरह से मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल, जितना आप ऊपर जाएंगे हिमालय के क्षेत्र में, यहाँ आप लोगों का हिमालय, हिमालय, ठीक, और हिमालय से जितना आप यहाँ श्रीलंका की ओर जाएंगे ऊपर बढ़ेंगे तो आप लोगों को गोरे लोग मिलते दिखाई देंगे, और जितना नीचे आप बढ़ते जाएंगे उतने काले लोग मिलते जाएंगे। पहली चीज़ तो ये वातावरण एटमोसफेयर पे निर्धारित होता है, ठीक, और दूसरी चीज़ जितने प्रचार करने वाले आते हैं आपके टीवी पे वो सब आप लोगों को सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप लोगों को गोरा कर पाए, जो आपके शरीर में मिलेनिन की मात्रा घटा बढ़ा सके। अगर आपके शरीर में मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा है तो आप लोग सेफ हैं, कोई भी नहीं, ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, इससे आप लोगों को कोई भी वो इफेक्ट नहीं। तो उद्धृतन का होता है उबटन, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपाख्यान। उपाख्यान का क्या है? उपखान, ये बखान से रिलेटेड है। जैसे आप अपना बखान बहुत करते हैं, मतलब अपनी ही बातें किया करना बखान कहलाता है, जैसे कहते हैं बखान आप बहुत करते हैं, तो उपाख्यान का क्या है? उपखान, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उपाख्यान का क्या है? उपखान। नेक्स्ट है एला, क्या है एला? जिसको तद्भव रूप में इलायची कहते हैं, क्या कहते हैं? इलायची। तो ये एला जो है ये हम लोग का संस्कृत में भी एला रहता है, जैसे कोई पूछे इलायची को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो संस्कृत में भी एला ही कहते हैं। जैसे बताया उलूक कहते हैं, वैसे इसको भी संस्कृत में भी एला ही कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे हम लोगों ने आंवला देखा था, आई होप आप लोगों को याद होगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आंवला को हम लोग क्या कहते हैं? इमली देखी थी, इमली को क्या कहते हैं? ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान होगी आई थिंक, इन सबको संस्कृत में और तद्भव रूप में, आई थिंक मतलब संस्कृत और तत्सम में लगभग एक ही रहते हैं, कुछ जगह डिफरेंस आता है, जैसे आम का आम्ल हो जाता है, ठीक, आम का क्या हो जाता है? आम्ल हो जाता है, इमली का हो जाता है अम्लिका हो जाता है, आंवला का आम्लक हो जाता है, वैसे इलायची का एला हो जाता है, जो कि संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, एला मतलब इलायची, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। और एक के मतलब होता है एका, एका मतलब एक से, वही प्रथम द्वितीय तृतीय, एक के मतलब होता है एका। और फिर नेक्स्ट है औदक, सबसे लास्ट है, नेक्स्ट क्या? लास्ट है हम लोग का औदक, जिसको हम लोग तद्भव रूप में ओहदा कहते हैं। ओहदा, आपका क्या ओहदा है? या किसी से पूछते हैं आपका क्या ओहदा है, मतलब आपकी पोजीशन क्या है, आपकी क्या पोस्ट है, आपका यहाँ क्या ओहदा है, पूछा नहीं जाता? आप लोगों ने कई बार सुना होगा फिल्म्स वगैरह में, तो आपका क्या ओहदा है? तो वही ओहदा ही कहाँ से है? तत्सम शब्द से, जिसको ओहदक कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओहदक से ही क्या बना है? ओहदा। तो औदा तत्सम रूप में है, औदा तद्भव रूप में है। तो आज हम लोगों ने अपना ये अपने समस्त छोटा आ से लेके अपने औ तक के जितने भी इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट हैं, समस्त हम लोगों ने आज फिनिश कर दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोगों को अपना स्टार्ट करना है का वर्ग, क्या स्टार्ट करना है? का वर्ग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।